टीम इंडिया के विकेटकीपर रिद्धिमान साहा ने कोलकाता में खेले गए एक क्लब मैच में महज 20 बॉल खेलकर शतक जड़ा। उनकी इस आतिशी पारी को देखकर लग रहा है जैसे वे आईपीएल से पहले अपने बल्ले की धार चेक करने इस मैच में उतरे थे। साहा ने शनिवार को जेसी मुखर्जी ट्रॉफी टूर्नामेंट में मोहन बागान की ओर खेलते हुए बीएनआर रिक्रिएशन क्लब के खिलाफ 102 रन की पारी खेली और अपनी टीम को 10 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस मुकाबले में बीएनआर रिक्रिएशन क्लब की टीम ने निर्धारित 10 ओवर में 7 विकेट बनवाकर 151 रन बनाए। इसके जवाब में रिद्धिमान साहा ने शुभम मोयर दास के साथ मिलकर पारी की शुरुआत की और सिर्फ 7 ओवर में ही मैच को खत्म कर दिया। साहा ने अपनी इस पारी में 4 चौके और 14 छक्के लगाए। वहीं उनके साथी बल्लेबाज दास ने 22 बॉल पर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 43 रन बनाने में कामयाब रहे। बता दें कि इस साल साहा आईपीएल में हैदराबाद सनराइजर्स की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे। जनवरी में हुई आईपीएल नीलामी में हैदराबाद ने साहा को 5 करोड़ रुपए में खरीद